परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम किया, भगती का दान दिता है और भगती करन दा मौका भी दिता है। गुरु अर्जन देव जी दे पास कुछ कर्मकांडी लोगों ने आके सवाल किए कि केड़ा ऐसा कर्म है जेड़ा करन नाल असी जम दी चोट तो बच जाइए, जमा दी मार तो बच जाइए, जा केड़ा ऐसा तीर्थ है जिदे विच डुबकी लाउण नाल असी जमा दी मार तो बच जाइए, जा केड़ा ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिन्हों पढ़न दे नाल असी जमा तो बच जाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़े प्यार नाल उन्हां लोकां नूं समझाया कि देखो प्यारियो, ना वो किसी बाहर रीति रिवाज नाल जम डरदा है, ना वो छड़दा है, ना किसी सरोवर दे अंदर डुबकी लाउण दे नाल वो छड़दा है, ना किसी पढ़पढ़ाई वाले नूं बुद्धिवान नूं वो छड़दा है। इको ही तरीका है जमा दी मार तो बचन दा, कोई पूर्ण साधु मिल जावे, वो नाम दा भेद दे देवे, असी उस नाम दे नाल जुड़ जाइए, तद ही जमा तो असी बच सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ, हर हर नाम जपेंदे आ कछ न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए ते अंते मिले गोपाल। नाम तो बगैर ओ होर किसे कर्म नूं लेखे नहीं लाउंदा गा। नाम दी कमाई करन नाल साडा ताना जेड़ा ओ शांत हो जांदा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी जितनी भी तपश है ओ शांत हो जांदी है। जो कण कण दे विच व्यापक है परमात्मा, आखर वो भी आके साडे अंदर प्रगट हो जाता है। तो जिस नाम की संतां ने इन्नी महिमा की है, जी तो बगैर साडा छुटकारा ही नहीं, और नाम तो बगैर परमात्मा कोई भगती लेखे ही नहीं लाउंदा गा। साडे सतगुरां ने साडे ते अपार कृपा करके, परमात्मा कृपाल ने सानू उस नाम का भेद दिता है जो अमोलक है, और अखां बंद करके अपना सिमरन शुरू करो और नाम दे नाल जुड़ो।